फिर कबाड़ी के नीचे लुकाया था, पर मुंह बांध दिया रुमाल से और आगे जो हुआ हमको नहीं मालूम। तीन लोग थे धमकी दे रहे थे, थाने को बताओ कि मैं तुम लोग को तो बाप माई को मार देंगे। बाथरूम करने पे गई, लाइन कट गया, लाइन कटा उसके बाद में लोग उठा ले गए, हमको मालूम नहीं था कि उठाया है। उसके भाई के पास फोन किया ना तो उसका भाई क्या बोलता है, हमारे भाई को कुछ बोलेगा तो गोली मार देगा। नमस्कार, नेशन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिसको लेके ये तो नहीं लगता कि बिहार में सुशासन काबू में है या बिहार में जितने भी अपराध हो रहे हैं उन पे लगाम लगाया गया है। बीती रात एक ऐसी घटना सामने आई है जो आपको झंझोर के रख देगी। आपको बता दें कि रोहतास में एक ऐसी दरिंदगी सामने आई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ऐसा भी हो सकता है क्या, इन लोगों को जीने का अधिकार नहीं। रोहतास के गांव में एक लड़की, एक नाबालिग 12 साल की लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां पे बीती रात वह शौच करने के लिए खुले मैदान में गई थी, जहां पे कुछ लड़कों ने जबरन उन्हें उठाकर उसे अपने तरफ अपने इलाके में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म का संगीन जुर्म किया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उस नाबालिग लड़की ने। बाथरूम करने गए थे एक बार ना, फिर कबाड़ी के नीचे लुकाया था, पर मुंह बांध दिया रुमाल से और आगे जो हुआ हमको नहीं मालूम है। कौन लोग थे, कुछ जानकारी है क्या? एक लड़का को जानता हूँ, दो लड़के को नहीं जानती हूँ। नाम मालूम है उसका? हाँ। क्या नाम है उसका? गालू। कब की घटना है ये? 9 बजे रात का। थाना को सूचना दिए क्या आप लोग? नहीं, धमकी दे रहा था कि मैं उस की थाने को बताओगी ना तुम लोग को तो बाप माई को मार देंगे। कितने लोग थे वो लोग? 3 लोग थे। वहीं इस नाबालिग लड़की का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया है और छानबीन में जुट गई है। वहीं उनके पिता जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुन लीजिए। 9 बजे कहानी है कि बाथरूम करने पे गई, लाइन कट गया, लाइन कटा उसके बाद में लोग उठा ले गए, हमको मालूम नहीं था कि उठाया है लोग। हम कस्टमर को खाना खिला रहे थे, 5 बजे का प्रिय कहा है, प्रिय कहा तो प्रिय नहीं है, प्रिय खोजने लगे। उसके बाद में हम यहाँ से खोज के फिर रोड पर गए, 2 घंटा ऊपर में खोजे, 9 बजे का तो 11:10 पर आई है होटल पे। अब कुछ कहाँ रहे पूरा एकदम लेटा कर रो ही, पूरा एकदम ब्लड से एकदम लेटाई हुई, हाथ में लेटा गया था सब। हम पूछे कहाँ गई थी रे, तो बोले हमको उठा ले गया है। कौन रे? तो गोलू भैया था। कौन लड़का था रे? तो 3 आदमी था। भाई के पास फोन किए ना तो उसका भाई क्या बोलता है, हमारा भाई कुछ हो जाएगा तो गोली मार देगा। तो ये थे उनके पिता जो कि लगातार बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं और वो चाहते हैं कि जिन्होंने भी यह दुष्कर्म किया है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें हिरासत में लिया जाए और कोर्ट जल्दी से कार्रवाई करे। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।